हेलो फ्रेंड्स, रूबल्स किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर मटर पनीर मखनी बना रही हूँ। और मटर पनीर मखनी मैं कैसे बनाती हूँ, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। और ये मेरी यूनिक रेसिपी है, शायद ही आपने कभी से ट्राई किया हो और या कभी देखा हो। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। और चलिए मैं देर ना करते हुए इस रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ और आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्यूरी बना के रखी है। तो प्यूरी तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो जिसमें मैंने टमाटर, प्याज, अदरक और हरी मिर्च और लहसुन और गार्लिक मैंने ये सब लिया हुआ है। तो इसमें मैंने लगभग 2 टमाटर, 1 बंडल मैंने गार्लिक का लिया हुआ है, 2 प्याज लिए मीडियम साइज में, और एक मैंने छोटा सा अदरक लिया है पीसेस, और 2 हरी मिर्च लिए हैं। और इन सबको मैंने अच्छे से सॉटे करके और इनको मैंने पीस लिया था मिक्सर ग्राइंडर में। साथ ही साथ मैंने उसमें ऐड किया था काजू और बादाम, जिसको मैंने बादाम को भिगाकर और इनको पील कर लिया था, छील के रख लिया हुआ है। तो लगभग इसमें 8 से 10 मेरे बादाम थे और 10 से 12 मेरे काजू हैं। और साथ ही साथ मैंने इसमें कोकोनट बुरादा है, तो कोकोनट जो मेरे पास बुरादा है वो भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। और इसमें जाएंगे मखाने, किशमिश और मखनी है तो हमारे पास बटर भी है और घी भी है, बाकी सारे मसाले हैं। तो ये पेस्ट बनकर इस तरह से रेडी हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे बड़ा 1 1 स्पून 1 स्पून के करीब मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ है। और ये मटर मखनी है, मटर पनीर मखनी है, तो फिर ये हमारे मक्खन के बिना तो अधूरी है, तो इसमें मक्खन जाएगा। तो यहाँ पे मेरा मस्टर्ड ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं अब ये हींग ऐड कर दूंगी, हाफ हाफ टी स्पून। साथ ही साथ इसमें जो मेरा मसाला है, पेस्ट है, वो जाएगा। और इसको सॉटे होने देना है और लगभग 5 मिनट के लिए, जब तक ये सॉटे होगा और अपना ऑयल और छोड़ देगा, उसके बाद ही हम इसे इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। और ये मेरे पनीर मैंने जिसको घर में बनाया हुआ है, और लगभग ये प्योर मिल्क से बना हुआ है, और आप देख सकते हैं कि ये कितना स्पंजी है। आप पनीर को देख सकते हैं, काफी अच्छा और ये सॉफ्ट बना हुआ है पनीर। तो मैं अक्सर घर में मार्केट से अवॉइड करती हूँ, और मैं अक्सर कर घर पर ही पनीर बनाती हूँ, क्योंकि घर के पनीर की बात ही कुछ अलग होती है। तो अब इस स्टेज में मैं यहाँ पर ये देसी घी डाल दूंगी थोड़ा सा, तो पनीर मैंने यहाँ पे लगभग 250 ग्राम के करीब मेरा पनीर है ये, बल्कि 250 ग्राम से ज़्यादा ही है, 300 ग्राम्स के एवब में होगा। और मटर भी मैंने 250 ग्राम के करीब मैंने ये मटर के दाने हैं, तो जिनको मैंने 1 फिसल में इसको बॉईल कर लिया था। तो आजकल तो अभी कच्ची मटर आ रही है, अच्छी मटर आ रही है, तो और काफ़ी मीठी होती है मटर जब सीजन में आती है मटर। तो इनको सिर्फ 1 फिसल में ही मैंने इनको बॉईल कर लिया है। अब यहाँ इसमें मैं किशमिश और जो मखाने दिए हैं उनको भी ऐड कर दूंगी।
और थोड़े से काजू और बादाम, तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरी जो ग्रेवी है वो तो बनके तैयार हो चुकी है और इसने घी भी रिलीज कर दिया है अपना। और आप देख सकते हैं कि बिना हल्दी के भी मेरा कलर सब्जी में कितना अच्छा आया हुआ है इस ग्रेवी में, और अभी मैंने इसमें हल्दी भी ऐड नहीं की है। तो अब मैं इसमें बाकी सारे मसाले मिलाऊंगी। तो अब मेरे इसमें जाएंगे मसाले, दिखा दे प्यूरी तो दिखा देता। अरे तो मैंने अब इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं, तो जिसमें जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर एंड गरम मसाला 1/2 टीस्पून। और देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आया हुआ है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 स्पून के करीब मलाई, जो क्रीम है जिसको मैंने फैट लिया है। और अभी थोड़ा सा बटर हम अभी ऐड कर देंगे। ये क्या कर रहा है दिखाना। तो हमने कर दिया, यहां हम इसमें ऐड करेंगे मटर, और मटर के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। तो 1 मिनट के लिए हम इसको सॉटे होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें पानी और मटर ऐड पनीर ऐड करेंगे। तो यहां मेरी मटर सॉटे हो चुकी है, तो इसमें मैं अब पानी ऐड कर दूंगी। और एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे और लगभग 5 मिनट के लिए। और यकीन मानिए ये रेसिपी मेरी काफी अच्छी बनती है और मेरी फैमिली में इसको बहुत पसंद किया जाता है। तो जब भी सीजन में मटर आती है तो मैं इसे कई बार बना चुकी होती हूँ। और उसके बाद मैं आपके साथ में निमोना भी वेस्टर्न ईस्टर्न यूपी से रिलेटेड है और उसकी फेमस डिश है ये, तो मैं वो रेसिपी भी आपसे जल्दी ही शेयर करूँगी, और वो भी अपने ट्विस्ट के साथ कि मैं उसे अपने घर में कैसे बनाती हूँ। और वो रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा सा बॉयल आ गया, तो मैं इसमें पनीर ऐड कर दूँगी और लगभग इसको 5 मिनट्स के लिए मैं फिर पकने दूंगी और मेरी ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। अब ऐसे ऊपर से दिखा दूं। तो अब मैं इसमें डाल दी जरा सी कसूरी मेथी, और ये बटर अब लगा दी गाना। तुम बटर नहीं डालते दिखाया। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरी सब्जी तो बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि पास से भी इसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है। और इसे चाहे नान के साथ या सिंपल चपाती के साथ और लच्छा पराठा के साथ आप सर्व कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी रेसिपी बनके बन चुकी है और उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। और आप इसे पास से भी देख सकते हैं कि देखिए कितनी अच्छी और डेलीशियस बनके तैयार हुई है। और अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, और मक्खन के बिना तो वैसे भी अधूरी थी, तो मैंने यहाँ पर ये मक्खन भी ऐड किया हुआ है और इसमें काफ़ी सारा मक्खन पहले भी मैं डाल चुकी हूँ, जैसे मैंने रेसिपी में आपके साथ शेयर किया था बताया हुआ है। तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, और मेरे घर में तो इसे काफ़ी पसंद किया जाता है, तो मैं तो इसे कई बार बना चुकी हूँ। अभी मेरे सीज़न में ये चौथी बार बन रही है,
तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं। तो ऐसे ही यूनिक रेसिपी में मैं आपसे मिलूंगी फिर अगली अपनी नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आजकल वैसे भी कोविड चल रहा है तो तीसरा स्टेट आ चुका है, तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। और अगर कोई वर्किंग भी है तो भी वहाँ भी आप सेफ रहिए, अपने आप एक पूरा कम्प्लीटली प्रिकॉशन लीजिए ताकि आप भी स्वस्थ रहें और आपके पास आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो भी स्वस्थ रहें। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।